नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि त्योथर न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों का मामला मौके पर निस्तारित किया गया, जिसमें बिजली विभाग, राजस्व विभाग, नगर परिषद, बैंक जैसे महत्वपूर्ण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं न्यायालय के न्यायाधीश श्री योगराज उपाध्याय जी, सुश्री वंदना सोनी, सुश्री मोहिनी भदौरिया, तहसीलदार राजेश तिवारी जी एवं अल्पा ठाकुर डी, यूनियन बैंक जवा के शाखा प्रबंधक जी, अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री ब्रह्मा नारायण शर्मा जी एवं अधिवक्ता गण मौजूद रहे। त्योथर न्यायालय परिसर में जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम संचालित हुआ, जहां पर हमारे सामने यूबीआई के शाखा प्रबंधक जवा मौजूद है। सर, इस लोक अदालत में क्या प्रकरण रहा है, किन किन चीजों पर किसानों को जो है या अन्य जो भी लाभार्थी रहे उनको क्या लाभ मिल रहा है इससे? लोक अदालत एक ऐसी जगह है जहाँ सब लोगों की जीत होती है। ये एक ऐसी अदालत है जिसमें किसी की हार नहीं होती है। विन विन सिचुएशन फॉर ऑल है, मतलब आप हमारे और आपके बीच में जो समझौता होता है उसका गवाह ये कोर्ट होता है। तो जो आपस में हमारा समझौता है बैंक में लोगों के बीच में, जो भी पुराने ऋण है, नए ऋण है, आदमी पहले जो है बहुत लोग माफ़ी के चक्कर में थे तो बहुत दिन से नहीं जमा कर रहे थे। अब जब कोई ऐसी छूट की योजना है नहीं तो आप लोग अपने जो भी पुराने खाते हैं उसको अपग्रेड करा लीजिए। अगर किसान क्रेडिट कार्ड है तो फिर से ले लीजिए उसको जमा करके, ताकि आपकी सिविल सही रहे और आपको जो ब्याज अतिरिक्त लग रहा है, पेनल इंटरेस्ट लग रहा है वो ना लगे।